ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। जय माता दी। आज की वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13वां अध्याय की कथा सुनेंगे। देवी बोली कि हे देवताओं, जो भी मनुष्य इन स्तोत्रों से मेरी नित्य स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी कष्टों का निवारण कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य मधु कैटभ महिषासुर सुम्भ निशुम्भ दैत्यों के वध की कथा का पाठ करेंगे और अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों को जो एकाग्र भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें पाप छू भी नहीं सकेगा तथा पाप करने से उत्पन्न होने वाली विपदाओं के कारण वे पीड़ित नहीं होंगे। ऐसे मनुष्य के घरों में दरिद्रता नहीं रहेगी, उन्हें प्रियजन का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी ऐसे मनुष्यों को शत्रु लुटेरे राजा शस्त्र अग्नि जल से कभी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्र होकर भक्ति भाव से मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का नित्य पाठ व श्रवण करना चाहिए। मेरे इस महात्म्य के प्रभाव से महामारी के कारण उत्पन्न उपद्रव त्रिताप दूर होते हैं। जिस घर में मेरे इस महात्म्य का नित्य विधिवत पाठ किया जाता है, उस घर में सदा मेरा वास रहता है। बलिदान पूजा होम महोत्सव काल में मेरे इस चरित्र का पूर्ण पाठ व श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य बलि पूजा अथवा होम आदि विधिवत या बिना विधि जाने ही करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शरद ऋतु में वार्षिक महापूजा काल में जो कोई भी मेरे इस महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेगा, वह मेरी कृपा से सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य पुत्रादि के वैभव से संपन्न होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य व मेरी उत्पत्ति की मनोहर कथाएं व युद्ध में जैसे पराक्रम मैंने दिखलाए है, उनका प्रसंग सुनने वाला मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मनुष्य मेरे महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे शत्रु रहित हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है तथा उनका वंश आनंद पूर्वक रहता है। शांति कर्म करने पर, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह पीड़ा होने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न भीषण ग्रह पीड़ा का निवारण होता है और बुरे स्वप्न भी शुभत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रह से पीड़ित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य शांति प्रदान करने वाला है। व्यक्ति समूह में फूट पड़ने पर इस महात्म्य का प्रभाव से मैत्री होती है। इस महात्म्य के प्रभाव से दुष्टों के बल का नाश होता है। महात्म्य का पाठ करने मात्र से ही दैत्य भूत पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा महात्म्य के प्रभाव से मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त होता है। पशु पुष्प अर्ध धूप दीप गंधादि उत्तम सामग्रियों से पूजन विप्र भोजन होम नित्य अभिषेक विविध प्रकार के अन्य भोगार्पण करता हुआ जो भी एक वर्ष तक मेरी आराधना करता है, उससे जितनी प्रसन्नता मुझे होती है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार भी श्रवण कर लेने मात्र से होती है। इस महात्म्य श्रवण से पाप नष्ट होते हैं तथा आरोग्य लाभ होता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने पर सभी प्रकार के भूतों से रक्षा होती है। मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहारक है। इस चरित्र का श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं रहता। देवी बोली कि हे देवताओं, तुमने व ब्रह्मा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियां की है और ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणकारी बुद्धि देने वाली है। अरण्य में सुने मार्ग में दावानल से घिरे रहने पर, जन शून्य स्थल में लुटेरों द्वारा घेरे जाने पर, शत्रुओं से घिरे रहने पर, या फिर जंगल में जंगली पशुओं से घिरे या उनके द्वारा पीछा किए जाने पर, क्रोधित राजा की आज्ञा से वध या बंधन स्थल पर ले जाने पर, समुद्र में नौका पर सवार होने के बाद भीषण तूफान के कारण नौका डगमगा जाने पर, घोर युद्ध में शस्त्र प्रहार होने पर, किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण मात्र ही कर लेता है, वह संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव के कारण सिंह आदि हिंसक जीव नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे व शत्रु आदि उस मनुष्य से दूर हो जाते हैं जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है।
महर्षि मेधा बोले कि महापराक्रमी भगवती चंडिका इस प्रकार कहकर सभी देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शत्रुओं के मारे जाने पर देवता निर्भीक होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग को उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने लगे। संसार को त्रस्त करने वाले देव शत्रु महाबलशाली असुरों शुंभ व निशुंभ को देवी द्वारा वध कर दिए जाने के बाद बचे हुए राक्षस पाताल में चले गए। हे राजन, इस तरह अंबिका देवी नित्य होकर भी बार बार अवतार धारण कर संसार की रक्षा करती है। वही संसार को मोहने वाली, संसार की उत्पादिका व प्रार्थना से प्रसन्न होने पर विज्ञान व समृद्धि दायिनी होती है। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली ही समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही महाकाली समय समय पर महामारी बनती है तथा जन्म रहित होने पर भी संसार के रूप में प्रत्यक्ष दिख पड़ती है। वही सनातना देवी समस्त चराचर जीवों की रक्षिका है। मनुष्य के उत्थान काल में वही देवी घर में लक्ष्मी रूप में स्थित होकर उत्थान करती है। वही अभाव काल में दरिद्रता रूप धारण कर विनाश भी करती है। वह आदि शक्ति पुष्प धूप गंधादि से पूजन कर स्तुति करने वालों को धन पुत्र धर्म बुद्धि व उत्तम गति प्रदान करती है। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सार्वनिक मन्वंतर कथांतर्गत देवी महात्मय का फल स्तुति नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। बोलो दुर्गा माता की जय, शेरों वाली माता की जय। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को वरदान। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, इस तरह से मैंने तुम्हें देवी का उत्तम महात्म्य बतला दिया है। जगत धारिणी उन देवी का ऐसा ही कुछ प्रभाव है। वह देवी ज्ञान दायिनी है। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से ही वैश्य व अन्य विवेकवान मोहग्रस्त होते हैं। वर्तमान में भी मोहग्रस्त है तथा भविष्य में भी मोहग्रस्त होते रहेंगे। इसलिए हे राजन, तुम उन्हीं देवी की शरण ग्रहण करो। आराधना करने पर वही देवी मनुष्यों को भोग स्वर्ग व मोक्ष देती है। मार्कंडेय मुनि बोले कि मेधा ऋषि के ऐसे वचन सुन राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी ऋषि को प्रणाम किया। राजा राज्य छीन जाने के कारण दुखी था और राज्य के प्रति मोहग्रस्त भी था। इसलिए हे मुनि, वह राजा और वैश्य दोनों ही तप के लिए वन की ओर चल गए। फिर एक नदी के तट पर वे देवी से साक्षात्कार के लिए तप करने लगे। वे दोनों उत्तम देवी सूक्त का जप करने लगे। वे नदी तट पर देवी की प्रतिमा बनाकर पुष्प धूप व हवन आदि करते हुए देवी की आराधना करने लगे। सर्वप्रथम वे निराहार रहकर एकाग्रता से देवी की आराधना करने लगे। इसके बाद शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक नित्य देवी की आराधना करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर जगत धारिणी देवी चंडिका ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे राजन, कुल को आनंदित करने वाले हे वैसे, तुम लोग जो वर चाहो मुझसे मांग लो। वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय मुनि बोले कि देवी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने अगले जन्म में अच्छे राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट कर पुनः राज्य प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का मन संसार से विरक्त हो चुका था। वह बुद्धिमान भी था, इसलिए उस समय उसने मोह व अहंकार रूपी आसक्ति नाशक ज्ञान मांगा। इस पर देवी बोली कि हे राजन, तुम कुछ ही समय में शत्रुओं का वध करके अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मरणोपरांत तुम भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न होकर धरती पर सार्वनिक मनु नाम से प्रसिद्ध हो पाओगे। फिर देवी ने वैश्य से कहा कि हे वैश्य, मोक्ष के निमित्त ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति होगी। मुनि मार्कंडेय बोले कि इस तरह वैश्य व राजा को मनोनुकूल वर प्रदान कर तथा उनके द्वारा की गई भक्ति पूर्ण स्तुति को सुनकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर सार्वनी मनु होंगे। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सार्वनिक मन्वंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय संपूर्ण। बोलो दुर्गा माता की जय, शेरों वाली माता की जय, नव दुर्गा की जय।